राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आलाय. त्यामुळे निराधार तसेच ज्यांचा हातावर पोट आहे अशा नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अनेक सामाजिक संस्था पुढे सरसावल्या असून पनवेल रेल्वे स्टेशन जवळील श्री साईनारायण बाबा संस्थेच्या वतीनं गरजूंना जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत भिंगारी गावातील कांदेवाडी येथं संस्थांच्या वतीनं जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटप करण्यात आलं. यावेळी पंकज डावलेकर, विनोद डावलेकर, अरविंद चव्हाण, सुनील मडवी, सुनील पाटील उपस्थित होते. ओम साईराम. हे श्री साईबाबा मंदिर पनवेल का सुप्रसिद्ध मंदिर है. यहाँ पर सद्गुरु श्री साई नारायण बाबा के आशीर्वाद से इस विकट समय पर गरीबों के लिए खूब मदद की जा रही है. 140 से ऊपर विधवा भाई लोग को राशन दिया गया. पुलिस डिपार्टमेंट में उनको जो ज़रूरत है राशन की, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स आदि की हम लोग सेवा कर रहे हैं. महानगर पालिका के अन्य क्षेत्र में हम लोग सुबह शाम 300 लोगों का खाना भेज रहे हैं संस्थान की तरफ से. और मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में भी हमारे बाबा ने 11 लाख रुपए का दान का अनाउंसमेंट किया है. अभी ये लॉकडाउन की वजह से हमारे कमेटी मेंबर्स अवेलेबल नहीं है. जैसे ये ख़त्म होगा ये हम चेक मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे. और भी हमारे तरफ से बहुत सेवा चालू है. ओम साई राम. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.